जयकराम और इस चमन के महकते फूलों अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस उनवान पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है वजूद बारी ताला। मेरी हस्ती है खुद शाहिद वजूद ज़ात बारी की, मेरी हस्ती है खुद शाहिद वजूद ज़ात बारी की, दलील ऐसी है जो उम्र भर रद्द हो नहीं सकती। जनाबे सदर, कायनात का हुस्न वो पहली चीज है जो साहिब ज़ौक इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। ये हो सकता था कायनात होती मगर उस पर हुस्न जमाल का मकाम ना होता, जमीन होती मगर नदी नालों का शोर ना होता, सूरज होता मगर गिरने ना होती, चांद होता मगर चांदनी ना होती, पर्वत होते मगर सितारों का जुर्मा ना होता, कान होते मगर समाज ना होती, आंख होते मगर बिनाई ना होती, इंसानी इल्म नजर आते के सवाल का जवाब ना दे सके कि यहाँ कायनात के साथ हुस्न क्यों जरूरी है, मगर कुरान जवाब देता है कि कायनात के साथ हुस्न इसलिए जरूरी है ताकि इंसान कायनात का बगैर मुशाहदा करे और बिला इख्तियार पुकार उठे। कुरान यूं बयान करता है, फाता बारक अल्लाह वासनुल खालिकीन। जनाबे वाला, मैंने अल्लाह ताला को नहीं देखा, इसका यह मतलब नहीं अल्लाह ताला मौजूद नहीं है। मैंने न्यूयॉर्क नहीं देखा मगर मानता हूँ। मैंने ईसा अलैहि सलाम को नहीं देखा मगर मानता हूँ। मैंने मूसा अलैहि सलाम को नहीं देखा मगर मानता हूँ। मैंने कि मैं क्यों मानता हूँ, आप सब क्यों मानते हैं। मैंने अलाको खान चंगेज खान को आज तक नहीं देखा मगर मानता हूँ। सिर्फ इसलिए मानता हूँ कि हमने उनके बारे में चंद बाई तमाद लोगों से सुन लिया है, इसलिए मानता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला का वजूद जिसके बारे में अंबिया का सलाह सिपा सलार अंबिया का सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं तो मैं क्यों ना तस्लीम करूँ। जनाबे वाला, मैं साफ कहूंगा, मेरे आका ने बताया तो मुझे खुदा के वजूद पर किसी भी दलील की जरूरत नहीं। अरे मैं तो वाशगाफ कहता हूँ, मैंने अरशे मौला को नहीं देखा मगर मानता हूँ, मैंने ऊँटों को नहीं देखा मगर मानता हूँ। सिर्फ इसलिए मानता हूँ कि मेरे आका ने बताया है। शायर ने क्या खूब कहा है, तो दिल में आता है समझ में नहीं आता, तो दिल में आता है समझ में नहीं आता, बस जान गया हूँ तेरी पहचान यही है। वस्सलाम।